तो देखिए, हम अगर एक स्ट्रिंग ले रहे हैं नेम और सी आउट कर रहे हैं, यूजर को बता रहे हैं कि इंटर नेम, और इसको सी इन करते हैं नेम में और इसी को प्रिंट करते हैं नेम में। तो जब हम इसको चलाएंगे तो क्या होगा, मैं एक पूरा नाम एंटर करूंगा, जैसे कि आबिद, आपका पूरा नाम क्या है? आबिद, यही है ना? तो इसको आबिद हुसैन प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आबिद प्रिंट कर रहा है। इसकी वजह, इसको आबिद हुसैन प्रिंट करना चाहिए था क्योंकि हमने नेम स्ट्रिंग में आबिद हुसैन लिखा। सॉरी, तो ये क्यों होता है इस तरह? जब भी आप कोई स्ट्रिंग इंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो ये जो स्पेस जब भी आप देते हैं, तो हमारा कंपाइलर ये कंसीडर करता है कि यहाँ पर आपका स्ट्रिंग खत्म, बाकी को वो इग्नोर करता है कंपाइलर। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज से बचने के लिए हम इसको सेव कर सकते हैं एक करेक्टर एरे में। इसको मैं चार नेम और इस तरह कर सकता हूँ कि इसमें 100 करेक्टर आ जाए मेरे पास। तो क्योंकि ये करेक्टर एक वो है, मैं इसको कांस्टेंट इंटीजर भी ले सकता हूँ, जिसको मैं नाम दूंगा मैक्स का, जो के बराबर होगा 100 के, और यहाँ पर 100 की बजाय मैं लिखूंगा मैक्स। अब यहाँ पर सी एन और नेम की बजाय हम लिखते हैं सी एन डॉट गेट। सीन डॉट गेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो करेक्टर एरे है उसका नाम क्या है, नेम, इसमें लिखेंगे, और कामा देके इसकी लिमिट क्या है, मैक्स है। वेरी गुड, मैक्स इसमें लिखेंगे और इसको टर्मिनेट करके, और बाकी वही चल रहा है, इसको सिर्फ हम आखिर में प्रिंट कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम इसमें आबिद हुसैन लिख कर देखते हैं, इसने आबिद हुसैन पूरा एंटर किया और उसको पूरे के पूरे को सेव किया। अब कहाँ पर, कैरेक्टर एरे में, जिसका नाम क्या था, नेम, और उसकी लेंथ क्या थी, 100। अब इसमें 100 करेक्टर्स सेव हो सकते हैं। आपको ज्यादा का चाहिए, आप यहाँ से सिर्फ इसको बढ़ा सकते हैं, 200, 300, 500। मैं इसको करता हूँ 2500, 2500, 2500, मैं इसको करता हूँ, और इसमें देता हूं नेम। अच्छा, इसमें एक और काम भी हो सकता है, इंटर नेम की बजाय मैं यहां पर लिखता हूं इंटर मल्टीपल लाइंस, टर्मिनेट योर स्ट्रिंग विद डॉलर साइन। इससे हमें क्या मिलेगा, अब इस सी इन डॉट गेट में आपने एक और वो पास करना है, क्या पास करना है, इसका साइन, कौन सा साइन, ये डॉलर साइन, कि जब आपको ये डॉलर साइन मिल जाए आप इसको टर्मिनेट कर दो। देखिए, पहले इसमें दो आर्गुमेंट्स थे, वो एरे जिसमें हमने इसको सेव करना है और इसकी मैक्सिमम लिमिट, लेकिन वो जैसे ही हम एंटर करते थे तब वो उसका टर्मिनेट कर देता था, उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वही आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए। लेकिन आपको मल्टीपल लाइंस चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा की लाइन आपने सेव करने है, कहां पर, उस नेम में। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो वहीं पर ही खत्म करके उसको सेव कर देगा। इस चीज से बचने के लिए आप एक और करेक्टर मुतारिफ करते हो कि इस करेक्टर में जैसे ही आपको मिल जाए तो आप क्या करो, मेरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करके और वो प्रिंट करके दे दो। अब हम इसको, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, ये देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। जैसे ही हमने वो डॉलर साइन दिया तो इसने खत्म किया इसको, और इस तरह हम स्पेस के बाद वाले करेक्टर सेव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। उनको आपने किसी एक करेक्टर एरे में सेव करना होगा, उसको आप जो भी नाम दे और उसकी एक मैक्सिमम लिमिट रखे। असल जो चीज आपको देखनी चाहिए वो ये लाइन है, लाइन नंबर 8, जिसमें वो फंक्शन है इसके जरिए से हम ये डेटा क्या कर रहे हैं, सेव करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसको कोई नोट करना चाहता है तो नोट करे। सर, कांस्टेंट कीवर्ड
जी, जब आप इस मैक्सिमम को कहीं पर भी और तब्दील ना करेंगे, मतलब देखिए देखिए मैं अभी आपको समझाता, आप इसकी तस्वीर वगैरह लेना चाह रहे हैं तो इसको पहले आप नोट करें फिर मैं सिखाता हूँ। अब हम इसको क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को समझने के लिए देखिए मैंने एक क्या लिया है, कांस्टेंट इंट मैक्स इज इक्वल टू ये, जो आपके सिंपल वेरिएबल्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टेंट लिखा हुआ नहीं हो उनको आप नीचे कहीं जाकर अपने प्रोग्राम में इस तरह कर सकते हैं, मैक्स प्लस प्लस कर सकते हैं और सी आउट करते हैं क्या उस इंटीजर को। लेकिन कांस्टेंट में ये मसला है कि आप ये इस तरह की हरकत इनके साथ नहीं कर सकते। जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा कि यहां पर एरर है, इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल मैक्स। अब ये जो मैक्स है ये कांस्टेंट है और ये रीड ओनली है, इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि हमने लाइन नंबर 6 में करने की कोशिश की तो ये हमें अलाउ नहीं करता इसको चेंज करना। इसीलिए हम कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि इसको किसी एरे का लिमिट होना है। अब आप एरे के लिमिट को कहीं 2500 रख रहे हैं, उसके बाद कहीं पर आपने फिर इसको चेंज किया, मतलब कांस्टेंट आप उसी वैल्यू को रखते हैं जिसको आप चेंज नहीं करते, जो कि एक सेम रहता है आपके पूरे प्रोग्राम में। जैसे आप एक पाई डिफाइन करते हो वो आप इसको असाइन करते हो तो उसने पूरे प्रोग्राम में वही रहना है, उसने चेंज नहीं होना। कहीं आप गलती से उसको चेंज करेंगे तो आपको एरर मिलेगा कि ये रीड ओनली वेरिएबल है जिसको आप छेड़ रहे हो, इसके साथ आप चेंजिंग कर रहे हो, इसलिए हम कॉन्स्टेंट लेते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसको इंटीजर भी ले सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको कांस्टेंट इसलिए रखते हैं ताकि इसमें गलती से हम भी इसमें चेंजिंग ना करें। और जब भी आप कांस्टेंट लेते हैं तो आप कोशिश करें उसका जो वेरिएबल नाम है वो कैपिटल लेटर्स में हो, ताकि वो वाजे हो, जहां पर नीचे कई प्रोग्राम में आप इसको देखें तो आपको पता चल जाए कि ये मैं एक कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ।